Hello neat aspirant, welcome back to another video of Spirit Shiksha. Now we discuss genetic disorder. So genetic disorder are two types, Mendelian disorders or chromosomal disorder. So Mendelian disorder kon kon se hote, color blindness, hemophilia, sickle cell anemia, phenylketonuria, thalassemia. Chromosomal disorder, Down syndrome, Klinefelter syndrome और टर्नर सिंड्रोम. तो हमें जो है ये दिक्कत आती है मेंडेलियन डिसऑर्डर में कि सेक्स लिंक्ड रेसेसिव कौन से हैं, ऑटोसोमल लिंक्ड रेसेसिव कौन से हैं. तो हमें याद रखना है कि कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया आर सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर, और फिर सिकल सेल एनीमिया, फिनाइल कीटोनूरिया और थैलेसीमिया आर ऑटोसोमल लिंक्ड रेसेसिव होते हैं. ठीक है, तो हम बारी बारी से बात करते हैं इस पर. सबसे पहले बात करते हैं हम कलर ब्लाइंडनेस के ऊपर, इसको कैसे याद रखा जाए. कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, कलर को हिंदी में क्या कहते हैं, रंग कहते हैं. और आर से हम याद रखेंगे रेड को, और जी से हम याद रखेंगे ग्रीन को. ठीक है, अब आई के अंदर जो है एक कोन होती है रेड और ग्रीन कोन, उसमें डिफेक्ट होता है, इसलिए कलर ब्लाइंडनेस होती है. बात करते हैं हीमोफीलिया के अंदर, इतना पार्ट लेते हैं. हीमो का मतलब होता है ब्लड और फीलिया का मतलब होता है लव. जैसे कि आपने सुना होगा कि हाइड्रोफिलिक यानी पानी से प्यार करने वाला, और हाइड्रोफोबिक यानी पानी से दूर भागने वाला. तो ब्लड लव, भाई ब्लड से लव कौन करेगा. यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, यदि किसी इंसान के हैंड का कुछ पार्ट कट गया जाए तो उसका ब्लड निकलेगा, लेकिन अगर वो प्रसन्न डिफेक्ट नहीं है तो उसकी जो है ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म से कुछ देर बाद वो खून रुक जाएगा, ब्लड रुक जाएगा बहना. लेकिन अगर किसी में हीमोफीलिया हो रखा है तो उसका क्लॉटिंग डिफेक्ट होगा, यानी उसका खून बहता रहेगा. तो इसको क्या बोलेंगे, हीमोफीलिया. अब बात करते हैं सिकल सेल एनीमिया की. सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है देखते हैं. सिकल सेल एनीमिया में सब्सटीट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय वेलिन एट सिक्स पोजीशन ऑफ हीमोग्लोबिन. तो ग्लूटामिक एसिड से याद रखना है हमें जी, और वेलिन का रखना है हमें वी, और सिक्स का रखना है हमें सिंपली सिक्स. अब एक बात बताता हूँ, एक कहानी सी बताता हूँ आपको, कि गौतम गंभीर जो है इंडिया के प्लेयर हैं, हमारे ही प्लेयर हैं, वो क्या करते हैं कि टेस्ट के अंदर बड़े अच्छे सिंगल सिंगल से अच्छे रन बनाए रहते हैं. लेकिन वीरेंद्र सहवाग को आप जानते हो, वो सिक्स और फोर्थ ज़्यादा मारते हैं, यानी छक्के चौके ज़्यादा मारते हैं. तो अब T20 मैच बनाया गया, तो जो कोच हैं वो क्या करेंगे, अब T20 में क्या चाहिए, छक्के और चौके चाहिए. तो वो क्या करेंगे, गौतम गंभीर को रिप्लेस यानी सब्स्टिट्यूट कर देंगे वीरेंद्र सहवाग से. तो हम याद रखेंगे इस ट्रिक की मदद से कि जी यानी ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस्ड बाय वेलिन यानी सब्स्टिट्यूट बाय वेलिन एट द सिक्स पोजिशन ऑफ हीमोग्लोबिन. चलते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ, और वो क्या है, थैलेसीमिया. थैलेसीमिया में देखते हैं हम लोग थैलेसीमिया. थैलेसीमिया में क्या होता है, हीमोग्लोबिन में चैन कम था. हीमोग्लोबिन में चैन कम था, इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन में दो चैन होती है, अल्फा हीमोग्लोबिन और बीटा हीमोग्लोबिन. यदि उसमें थैलेसीमिया में हीमोग्लोबिन की चैन यदि अल्फा है तो अल्फा थैलेसीमिया, और बीटा है तो बीटा थैलेसीमिया होगा. इसके बाद चलते हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया, उसमें क्या होता है, नॉर्मली इंसान में ह्यूमन बींग में फिनाइल एलानिन से बनता है थायरोसिन एक एंजाइम की मदद से. यदि वो एंजाइम कम मात्रा में बन रहा है या बन ही नहीं रहा है तो थायरोसिन नहीं बनेगा, बल्कि क्या बनेगा, फिनाइल एलानिन से फिनाइल पाइरुविक एसिड. तो इस बीमारी को, इस डिसऑर्डर को क्या बोलेंगे, फिनाइल कीटोन्यूरिया. चलते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की तरफ. सबसे पहले पढ़ते हैं डाउन सिंड्रोम. डाउन सिंड्रोम यानी ह्यूमन बींग के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, और उस डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, 21वें यानी 21st पर क्रोमोसोम की ट्राइसोमी होती है, यानी एक कॉपी के बजाय उसमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है. क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो है मेल्स में देखा जाता है, इसमें क्या होता है, नॉर्मली मेल में क्या होना चाहिए, एक्स और वाई होना चाहिए, लेकिन इसमें एक एक्स
फालतू होता है, तो इसकी वजह से इसमें फीमेल के सेकेंडरी करेक्टर बढ़ जाते हैं मेल के अंदर। इसके बाद चलते हैं टर्नर सिंड्रोम। ये फीमेल्स के अंदर देखा जाता है, फीमेल्स के अंदर देखा जाता है इसमें जो है कि एक्स क्रोमोसोम कम होता है। फीमेल में क्या होता है, नॉर्मली एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है, लेकिन इसमें एक एक्स क्रोमोसोम कम होता है। इसका टाइप क्या होता है, एक्सो। तो इसमें क्या होता है, फीमेल के सेकेंडरी करेक्टर नहीं बन पाते। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा।